हेलो गाइस, आज का वीडियो का मकसद है, एक मुझे मैना मिला है जिसका चोंच टूटा हुआ है। शायद किसी पक्षी से लड़ाई में टूट गया होगा, तो ये ठीक से खा नहीं सकती और इसका एक पैर जख्मी है, देख सकते हैं। ये सीधा हुआ है, पकड़ में नहीं आ रहा है, मतलब पकड़ के नहीं रखा हुआ है। मेरा उंगली तीन उंगली से पकड़ा हुआ है, एक उंगली सीधा है, ये उंगली जख्मी है और इसका एक पैर कट गया है। मैना यहाँ पे था, यहाँ पीछे से गया मैं और मैना को पकड़ के घर ले आया। काफ़ी भीगा हुआ था, आज इसको छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ये बहुत बूढ़ा है और इसका चोंच टूटा है, पैर भी नहीं है, भीग जाता है, खा नहीं सकता है। हमारा गली मोहल्ला में घूमता है तो मैं इसे देखता आया हूँ बहुत दिन से, तो पकड़ भी नहीं आता था, काल आया है पकड़ने। इसका भी हम रखेंगे दो चार दिन, बारिश का तो बनेगा पर इसका छोड़ेंगे। कल पूरा भीग गया था, सुखा दिए, अभी ठीक है। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हो, आपकी आसपास में अगर कोई पक्षी या एनिमल प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। हेलो गाइस, तो आज इस मैना को हम रिलीज़ करेंगे, बारिश रुक गया है और ये देखिए मेरा देसी जुगाड़, ये साइकिल का आगे का ट्रॉली है, स्कूल में जो साइकिल मिलता है इसमें मैना को मैंने रखा हुआ है, तो अभी ठीक है। दाना पानी दिया था, आज रिलीज़ करेंगे। चलिए छत पे लेके जाके छुपेंगे। तो अभी छत पे आ गए, छत पे आ गए हैं, छोड़ेंगे। कप में पानी दिया था, कटोरी में दिया था, चावल गेहूँ दिया था। ये देखिए फ्लिपकार्ट का देसी जुगाड़, फ्लिपकार्ट का पेटी काट के आगे दे दिए थे, साइकिल का ट्रॉली है आगे वाला, स्कूल में जो साइकिल मिलता है बंगाल में, इसको भी हम छोड़ेंगे। चलो भाई भाई रे, आई भाई रे, अच्छा अच्छा छोड़ देंगे।